हेलो माय डियर स्टूडेंट और ये जो सेशन है ये क्वेश्चंस का है जिसमें हम थर्टी क्वेश्चंस की बात करेंगे और ध्यान से सुनना ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब सभी कोई सा भी एग्जाम हो सब के लिए राममायण साबित होने चाहे वो साहद तिरषि अधिकारी हो चाहे वो तृषि परमेश जेट हो आई हो आर बी एच सब के लिए और ये जो क्वेश्चन बनाए मैंने आपकी जो राजस्थान बोर्ड है राजस्थान बोर्ड राजस्थान बोर्ड की जो एलेवेंथ क्लास है उसका जो पहला चैप्टर है भारत में तिड़सिड़ा इतिहास इसके तीस क्वेश्चन जितने भी अच्छे पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बना दिए है इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर से आपके एलेवेंथ हो क्लास ट्वेल्थ हो इन सभी के जो हैं चैप्टर से बाईटा द आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे लेकिन वो क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन का नाम है एड्री पावर जयपुर एड्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर ये आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा जिसमें मैं बता दूं आपको जेट ऑनलाइन कोर्स जो है एग्रीकल्चर का स्पेशल एग्रीकल्चर का कोर्स जो है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एग्रीकल्चर बायोलॉजी ये सब का कोर्स एट हज़ार निन्यानवे आई सी आर एग्रीकल्चर एट हज़ार निन्यानवे बी एच यू एग्रीकल्चर एट हज़ार निन्यानवे इस्पेशल कृषि परवेशल्चर कोर्स एग्रीकल्चर कोर्स जो है ये चार सौ निन्यानवे जिसमें आपको वीडियो लेक्चर प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी ध्यान रखें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी इसके अलावा एलेवेंथ और ट्वेल्थ का कोई विद्यार्थी कोर्स लेना चाह रहा है तो वो आप ले सकते हैं पच्चीस सौ रुपये में जिसकी वेलिडिटी तीन वर्ष रहेगी थी। ठीक है भाई ऐसे बहुत सारे सभी तृसी जो आप यदि साहित्य अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो आप देखो साहित्य कृषि अधिकारी का पुराना पेपर उठा के देखो आपके जो है चार सब्जेक्ट आपके चाहे पशुपालन हो चाहे आपकी सस््य विज्ञान हो चाहे आपकी उद्यान विज्ञान हो चाहे आपकी मृदा विज्ञान हो ये सभी की सभी आपकी इलेवेंथ और ट्वेल्थ की क्लास से ही पूछे गए हैं तो आपको यदि बेस मजबूत करना है तो आप जेट ऑनलाइन कोर्स ये मजबूत ले सकते हैं कोर्स ले सकते हैं शायद कृषि अधिकारी का भी कोर्स है चलिए बहुत टाइम हो गया अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करते हैं आप जो हैं दस सेकेंड आपके पास होंगे सोचने के लिए पहला है एफ ए ओ टी फॉर्म क्या है एफ ए टी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है माय डियर स्टूडेंट फूड एंड एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये होती है मतलब खाद्य कृषि संगठन जो है इसका आंसर क्या जाएगा भाई खाद्य एवं कृषि संगठन इसका आंसर जाएगा पहला सॉरी दूसरा अगला क्वेश्चन है भारत में आप खुद ही एनालिसिस कर लेना भाई खुद आप एनालिसिस करना कितने शानदार क्वेश्चन है आप पहला चैप्टर खुद पढ़ोगे तब पता चल जाएगा आपको इसी प्रकार से लेकिन ये क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे एड्री पावर जयपुर पर प्राचीन भारत काल में ही एक सात दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है ऐसा ट्रस कृषि वैज्ञानिक ने या कृषि विशेषज्ञ ने बताया था ऐसा ट्रस कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि भैया हमारा जो देश है वो एक साथ दो फसलें लेने वाला जो देश है वो बन चुका है या हमारे पहले बहुत पुराने समय से आपको पता हो तो आपने पढ़े और वो सभ्यता कालीभार सभ्यता में सभ्यता में दौरे जुते हुए ठेत मिले हैं दौरे जुते हुए जुते हुए ठेत मिले हैं है ना और एक साथ दो फसलें एक साथ दो फसलें लेने का जो प्रमाण है वो भी मिलता है तो ये ऐसा जो एफ ए ओ एफ ए ओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कृषि विज्ञान रह चुके डॉक्टर के एल महरा ने ऐसा बताया था ठीक है चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा आपका प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फसलों के नाम का असनत मिलान असन्नत मिलान चावल अच्छत गेहूँ टनट नारियल श्रीफल हल्दी बरड़ तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा माई डियर स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा हल्दी बरड़ एसन यही है बाकी चावल को अच्छत कहते हैं गेहूँ को टनट कहते हैं नारियल को श्रीफल कहते हैं प्राचीन भारत चौथा क्वेश्चन है प्राचीन भारत के किसमें सिंचाई प्रणाली कृषि उपकरण मतलब प्राचीन भारत का टेट जो इतिहास है प्राचीन भारत का जो इतिहास है कौन सा इतिहास है जिसमें सिंचाई प्रणाली क्रमा कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है आपने यदि पहला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि किसमें सिंचाई प्रणाली कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान की जो है जानकारी दी गई है तो माय डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा वृद्ध संहिता में बारह मेर की वृद्ध संहिता में इसकी जानकारी जो है दी गई है ध्यान रखें भाई अच्छे से पढ़ना है इसको अब देखो ऑप्शन ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है यदि आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो चारों के चारों ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे कृषि विज्ञान का पहला चैप्टर अब देखो तिरसी तिरसी किस भाषा का शब्द है तिसी मैनेटा है तिर्सी तो देखो तिर्सी जो है लैटिन ग्रीट संस्कृत और फारसी अब इसका ज़्यादातर विद्यार्थी गलत देंगे लैटिन देंगे लैटिन नहीं है भाई संस्कृत है इसका आंसर क्योंकि मैनेटा है तिरसी शब्द और तिर्सी शब्द जो है संस्कृत भाषा के त्रस धातु से किससे बना है भाई त्रस धातु से बना है और जबकि आपका एग्रीकल्चर वाला जो एग्रीकल्चर है ये एग्रीकल्चर जो है ये शब्द इस माने भी तिड़सी होता है है ना? ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का भाई समझ रहे हो ये लैटिन भाषा का है तो या, याद रखें क्वेश्चन बहुत शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाएं भाई है ना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना कोर्स परचेज कर लेना भाई कोई सा भी कोर्स आपका बेसिक मजबूत करना गारंटी देता हूँ बेसिक मजबूत हो जाएगा है ना अगर आप सोचोगे ये लोभ लालच में ही मरते रह जाओगे फिर भारत में टिड़सिटा इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे भारत में टिड़सिटा इतिहास पुस्तक के डॉक्टर बी पी पाल डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन डॉक्टर एम एस रंधाबा और डॉक्टर कुरियन तो माई डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा डॉक्टर एम एस रंधावा क्या जाएगा डॉक्टर एम एस रंधाबा जी ने लिखी है भारत में तिरसीटा इतिहास ठीक है भाई चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं एक अटाल पड़ा था जिसके कारण भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई थी उसके बाद तो वो जो उसको अटाल टू नाम दिया गया था छप्पनिया अटाल आप देखना आपके में एक अटाल दे के रखा हुआ लेकिन उसका नामकरण नहीं है नाम है उसका छप्पनिया अटाल वो टब पड़ा था अठारह सौ निन्यानवे ध्यान रे भाई अठारह सौ निन्यानवे में छप्पनिया अटाल पढ़ा था है ना चलिए अगला भारतीय कृषि बोर्ड जब छप्पनिया अटाल पड़ा था तब भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई थी और बता दूं भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना के जस्ट बाद ही आई आर स्थापना यानी कि फिफ्थ पीरियडशाला की स्थापना हुई थी तो आप इसका आंसर बताइए भाई ए जो है 1904 में ध्यान रखें भाई 1904 में जो है भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी फिर बोल रहा हूँ सोचे नहीं अगर आपको सफल होना है जेट में आपको फुल मार्क्स लाने हैं या आपको टॉप रॉन् रैंक लानी है देखो जो जेट में यदि सिलेबस आउट ऑफ आता है तो वो सबके लिए आएगा लेकिन जो आपका सिलेबस है यदि वही आपने मजबूत पढ़ लिया ना तो आप सलेक्शन हो जाए गए टॉप रैंक आएगी पिछली बार क्या हुआ आठ दस क्वेश्चन ऐसे आए जो किसी से नहीं बने ना किसी भी संस्थान में पढ़ाए गए लेकिन उससे थोड़ी टट ऑफ हुई थी टट ऑफ तो जो आपके जो आपने आ, सिंपल जो पढ़े थे उसी से टट ऑफ निर्धारित हुई थी है ना चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ पीरियोडशाला की स्थापना बिहार में टपट की थी याद करो फिफ्थ पीरियडशाला जब भारतीय टिर्सी बोर्ड की स्थापना की हुई थी तो उसके बाद जो है टिसी टार्यों के टिर्सी सोद टार्यों के लिए फिफ्थ पीओ शाला की शुरुआत की गई थी और ये फिफ्थ प्रियोडशाला ही आगे जाके आई ए आर आई बनती है है ना यही संस्थान जो हैं और जो कहाँ पर बिहार के दरभंगा जिले की डंडक नदी के किनारे जो हैं स्थापना की गई थी 1905 में भाई कब 1905 में जो है स्थापना की गई थी, थी। ध्यान रखें पूषा पूषा का विस्तृत ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है पूषा का विस्तृत रूप है पब्लिक अर्बन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनम ऑफ़ यू एस ए फिप्स ऑफ यू एस ए नन ऑफ दीज क्या जाएगा भाई तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा फिप्स ऑफ यू एस ए है ना उन्होंने जो धनराशि दी थी कृषि सूत्र कार्यों के लिए यू एस ए के थे वो फिप्स ऑफ यू एस एटला देो पूसा स्थित कृषि संस्थान का ट्रिस बर्स नामकरण इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पढ़ा यदि आप अच्छे से पढ़ोगे उसको यदि आप अच्छे से एलिन्थ क्लास के पहले चैप्टर को पढ़ोगे तो आप देखो डेटी उन्नीस में नामकरण जो है फिफ्थ पीरियड वाला का नामकरण जो है क्या कर दिया गया था नामकरण एम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पढ़ गया था एम्पीरियल का इंडियन टॉप किया गया था दे आज़ादी के बाद समझ रहे हो तो ये लिखें भाई बहुत अच्छा जो है आप कोर्स जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड करें भाई है ना एप्लीकेशन टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम आपके वीडियो अपलोड होनी है शानदार वाले आई आर स्थापना किस वर्ष हुई थी देखो सेम वही है फिर प्रियोर्साला की स्थापना जब हुई तभी आई आर स्थापना हुई थी और वो कब हुई थी भाई 1905 में कब हुई थी 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव दिल्ली किस वर्ष रखी गई मैंने कहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अब बहुत सारे तो इसको प्रशत समझेंगे अरे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आई आर आई टी फुलफोम ही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आई आर आई टी फुलफॉर्म ही है और आई आर आई टी फुलफॉर्म है तो इसको 1936 में जब बिहार में थे दरभंगा जिले में जब भूकंप या जो भी बाढ़ आई थी उसके कारण 1936 में इसकी जो आ, पूसा स्थित जो आ, वो था जो आ, हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ये बना हुआ था पूरी जो क्षतिग्रस्त हो रही थी है ना इसका जो ऑफिस है इसलिए इसको पूसा नई दिल्ली में स्थानांतरित उन्नीस में किया था भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देखो यहाँ पर आया है परिषद परिषद का मतलब समझ लेना ये आई की बात हो रही है किसकी बात हो रही है आई की बात हो रही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मतलब आई की बात हो रही है ठीक है जब आई की बात हो रही है तो कब भैया 16 जुलाई 16 जुलाई कब उन्नीस में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी ध्यान रे भाई चौदह नंबर क्वेश्चन पंद्रह नंबर भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आई भारत में हरित क्रांति जो है किस वर्ष आई थी तो यह आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति जो है किस वर्ष आई थी तो देखो ये आई थी उन्नीस सौ में कब आई थी भाई उन्नीस सौ में ये हरित क्रांति जो है आई थी भाई ध्यान रखें कब आई थी उन्नीस सौ में ठीक है अब यदि आपको पूरे कंप्लीट जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस यदि आपको देखने हैं तो आप प्लीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको ये कंप्लीट हर चैप्टर के जो है धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे क्योंकि तो आपको भी पता क्वेश्चन अच्छे ट्वेशन्स बनाने में टाइम लगता है फिर टाइपिंग होती है फिर उसके बाद रिकॉर्ड होती है लेकिन हर एट दो दिन में एट दो दिन में जो है हर एक चैप्टर क्लियर होता जा रहा है आपका है ना एलेवंथ क्लास का ट्वेल्थ क्लास का कृषि विज्ञान कृषि रसायन सभी है ना तो प्यारे विद्यार्थियों एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है थैंक यू सो मच